हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसा चीज़ शेयर करने जा रही हूँ जो मुझे लगता है आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं शेयर करने जा रही हूँ 10 किचन टूल्स जो आपके किचन को करेगा ऑर्गेनाइज्ड एंड उसके साथ साथ आपका टाइम भी थोड़ा सेव करेगा एंड उसके साथ साथ आपके किचन के ब्यूटी को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सो चलिए हम लोग देख लेते हैं वो 10 टूल्स क्या क्या है। और एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने चाहूंगी, ये 10 टूल्स मैंने खरीदी थी अमेजोन से, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए और मुझे लगता है मेरे साथ साथ आप लोगों के लिए भी वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एंड सबसे बढ़िया बात है ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1 से 1.5 साल तक मैं इसको यूज कर रही हूँ एंड उसमें कोई भी प्रॉब्लम आज तक मुझे नहीं आया है। सो चलिए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूं और आप लोगों को भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करने चाहूंगी ये सामान, ये किचन टिश्यू पेपर है विद होल्डर। तो ये किचन टिश्यू पेपर बहुत ही ज्यादा काम में लगता है, कोई भी ऑयली फूड अगर आप बनाए हो तो ऑयल को थोड़ा सोक करने के लिए ये टिश्यू पेपर काम में आते हैं। अगर आपके हाथ पोछना हो तो आपके सामने कोई कपड़ा नहीं है तब भी ये टिश्यू पेपर आपके काम में आता है। एंड सबसे बढ़िया चीज़ है ना, ये जो होल्डर है, ये होल्डर बहुत ही ईजी है आपको कैरी करने में। और सबसे बढ़िया बात है कि ये टिश्यू पेपर जब आप इस होल्डर में रखेंगे ना, बहुत इजी है टिश्यू ऐसे खींच के यूज करने में। सो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है एंड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है आप बोल सकते हो। और ये बहुत ही लाइट वेटेड है, कोई भी इसको कैरी कर सकते हैं। तो अभी मैं जो चीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ उसके पहले मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ, हम लोग जब किचन में काम करते हैं तो ऐसा बहुत बार हम लोगों के साथ होता है कि हम लोग कोई खाना बनाने जा रहे हैं तो हम लोग सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होता है मेजरमेंट लेके कि कितना हम लोगों को देना है, मतलब कितना अंदर से हम लोगों को देना पड़ेगा, 100 ग्राम्स या कैसे हम लोग उसका मेजरमेंट ले। सो उस कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन लेके मैं आ गई हूँ ये मेजरमेंट कप लेके। ये कप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है किचन में काम करने के टाइम, स्पेशली जब हम लोग कोई खाना बनाने जा रहे हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आता है कि 200 ml और 100 ग्राम्स कितना होगा, कौन सा वाला मेजरमेंट कप से हम लोग ले। सो ये कप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है एंड उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मेंशन भी रहता है कि कितना आपको चाहिए होगा। सो जैसे यहाँ पे है 1 कप, मतलब ऐसे करके दिखाती हूँ। सो यहाँ पे है 1 कप मतलब 240 ml। सो ऐसे करके हर एक कप के साथ साथ यहाँ पे मेंशन है कि यहाँ पे 1/2 कप ऐसे बोलते हैं, ऐसे करके हर एक में मेंशन है कि यहाँ पे 1/4 कप। और फिर मेरे पास और एक ये भी है तो मैं ये ज़्यादा अभी यूज़ करती हूँ तो इसको मैं अलग कर ली हूँ। और ये बहुत इजी है, आप इसको ना ऐसे करके ओपन भी कर सकते हो और फिर से ऐसे ओपन करके ले लो, फिर यहाँ पे ऐसे इसको क्लोज भी कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है हम लोग जब किचन में काम करते हैं उस टाइम के लिए। सो इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो चीज़ हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है किचन के टाइमिंग में, कोई भी चीज़ काटने के लिए हम लोगों को तो कटर चाहिए होता है, राइट? सो उसके लिए नाइफ हम लोग यूज़ करते हैं मैक्सिमम टाइम। सो ये है, मैं ये भी खरीदी थी अमेजोन से। सो ये सेट में है, नाइफ सेट में यहाँ पे है 5 नाइफ्स एंड उसके साथ ये 1 सीजर भी दिया गया है। सो कोई भी का, और ये पूरा इसका जो बॉडी है ये पूरा वुड के ऊपर है, वुड फिनिश में है वुड के ऊपर। और ये ना बहुत अच्छा है, मैं लास्ट 1.5 ईयर्स इसको यूज़ कर रही हूँ। और सबसे बढ़िया बात है कि इसका जो है ना, इसका बहुत अच्छा सा धार है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सब्जी कटने के टाइमिंग में कुछ ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है सब्जी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत इजी तरीके से आप इसको सब्जी काट कर सकते हो, वेजिटेबल्स को। और ये सीजर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हम लोग के किचन में कोई भी चीज़ कटने के लिए। और सबसे बढ़िया बात है कि आप खाना बना रहे हो तो उस टाइम सोचिए आप लोग धनिया पत्ता ऐसा कुछ देना पड़ रहा है, तो उस टाइम इससे आप बहुत आसानी से ऐसे करके काट कर ले सकते हो। तो ये बहुत ही यूज़फुल है एंड सच मानिए, ट्रस्ट में मुझे 1 साल में अभी तक ऐसा नहीं आया है
कि कोई भी नाइफ में मुझे अलग से धार देने की ज़रूरत पड़ा या उसका अलग से कुछ केयर करने की ज़रूरत पड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा इजी है यूज़ करने के लिए, तो ये प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है किचन के लिए और मेरे लिए तो है ही। सो जब हम लोग बात कर लिए हैं नाइफ सेट का, तो हम लोग कैसे भूल सकते हैं चॉपर बोर्ड को, राइट? सो ये चॉपर बोर्ड भी है, वुड फिनिश है और इसको मैंने ऑलरेडी 1-1.5 साल तक यूज़ कर रही हूँ, लेकिन देखिए कहीं पे भी कोई खरोच का निशान या ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप इसको यूज़ करने से बहुत अच्छे से ये स्टिक हो जाता है फ्लोर के साथ, तो ऐसा आप जब सब्जी काट रहे हो या वेजिटेबल्स कुछ भी, तो उस टाइम ऐसा नहीं होता कि ये थोड़ा ऐसा हिल जाए या ऐसा ऐसा हो जाए, कुछ भी नहीं होता है। सो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और सबसे बढ़िया बात है आप इसको वाटर से भी क्लीन कर सकते हो। मैं हमेशा हर रोज़ वेजिटेबल कट करने के बाद इसको सिर्फ नॉर्मल वाटर से एक बार धो लेती हूँ और उससे ये बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाता है। और देखिए अभी भी देख के लग रहा है कि ये बहुत नया है, न्यू है, राइट? देख के सो ये भी बहुत बढ़िया है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, कोई भी खरोच भी नहीं है, खरोच का निशान भी नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सो अभी हम लोग बात करते हैं जिसको छोड़ के हम लोग खाना बना ही नहीं पाते हैं, राइट? सो मैं बात करने जा रही हूँ स्पाइस का। तो अगर स्पाइस के बारे में हम लोग बात करेंगे तो स्पाइस कंटेनर को कैसे हम लोग भूल सकते हैं, राइट? सो मैं अभी बात कर रही हूँ ये स्पाइस कंटेनर का, ये भी मैंने अमेजोन से लिए थे और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है एंड लाइट वेटेड है, सबसे बढ़िया बात ये है। और ये ना बहुत ऐसे आप अगर फ्लोर में रखेंगे, ये बहुत अच्छे तरीके से ऐसे आप घुमाना चाहते हो तो ये बहुत अच्छे तरीके से ऐसे घूम जाते हैं। तो इसमें 4 सेट है ऐसे करके, एक है 4 सेट में 4 कंटेनर है, मतलब टोटल 16 कंटेनर्स है। और ये कंटेनर्स भी बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे बहुत सारा मैं स्पाइस रखती हूँ, स्पेशली मैं ये सब में ना स्पाइस रखती हूँ। आपका जो मुझे हमेशा जो गोटा वाला जो मसाला होता है ना, उसको मैं यहाँ पे रखती हूँ। और इसका ये ऐसे टाइप का है, इसको अगर आप ऐसे करके घुमाएंगे ना तो यहाँ पे है थोड़ा सा बड़ा वाला ऐसे, उसके बाद अगर आपको छोटा कुछ भी चाहिए होगा पाउडर ऐसा तो ये वाला है, उससे भी थोड़ा कम चाहिए होगा तो ये वाला भी है। तो 3 टाइप का यहाँ पे इसका आपका ओपन वाला जगह है और ये बहुत ऐसे आप इसको टाइट करके रख देंगे ना, ये ऑटोमेटिक ऐसा है कि गिर नहीं जाएगा, कोई गिरने का डर ही नहीं है। और ये बहुत ऐसे आपको जो चीज़ चाहिए होगा आप उस टाइम ऐसे करके घुमा के उसको ले सकते हो, राइट? सो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किचन के लिए और ये बहुत जगह आपका सेव करते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ में आप 16 टाइप का स्पाइस रख सकते हो और जो चीज़ चाहिए होगा आप वैसे करके उसको घुमा लीजिए तो ये इजीली आप ले भी सकते हो। तो ये आपके किचन ऑर्गेनाइजर में बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है। सो इसके साथ साथ मैं और एक टाइप का मसाला कंटेनर के बारे में तो बात करूँगी, स्पाइस कंटेनर, वो है ये। ये भी आपका बहुत ज़्यादा जगह सेव करते हैं और इसमें आप, ये है स्टील का और इसका जो ढक्कन है ये कुछ इस तरह का है, इस तरह का। सो आप यहाँ से इजीली देख सकते हो कि अंदर क्या क्या है, कौन सा वाला स्पाइस आप इसमें रखे हो। और इसका अंदर कुछ ऐसा टाइप का है, यहाँ पे 7 टाइप का स्पाइस आप रख सकते हो। और उसके साथ यहाँ पे एक छोटा सा स्पून भी दिया गया है, ये स्पून भी दिया गया है। और ये ना बहुत ज़्यादा इसका बहुत अच्छा वाला मटेरियल है, ऐसा नहीं बहुत सा पतला या ऐसे करेंगे तो ये यहाँ से डब जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा वाला है, बहुत मजबूत है। सो यहाँ पे आप कुछ भी रखेंगे और ये बहुत, ये बंद होना और ये खोलना बहुत इजी है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा टाइट है तो आप खोल नहीं पा रहे, बहुत जब आपका काम के टाइमिंग हो तो बहुत इजी तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हो। एंड ऊपर से आप देख भी सकते हो कि कौन सा स्पाइस कहाँ पे रखा है एंड कौन सा चीज़ ख़त्म होने वाला है, तो आप पहले से ही इसको फिल करके रख सकते हो, राइट? सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी मैंने अमेजन से लिया था। इतना सारा चीज़ बहुत ज़्यादा मैं अभी तक जो जो चीज़ आप लोगों को दिखा रही हूँ ये यूज़ करके ना आपका किचन हो जाएगा चकाचक। एंड सबसे बड़ा बात है किचन लगेगा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड एंड आपका टाइम भी बहुत
सेव होगा, क्योंकि बहुत चीज आपको बहुत जगह पे ढूंढने की जरूरत ही नहीं है और बहुत इजी तरीके से आप हर एक चीज अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो, राइट। सो इसके बाद मैं बात करने जा रही हूँ ऐसा एक चीज का जो आपके किचन का शान को बढ़ाता है एंड उसके साथ साथ आपके लिए भी बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है हर एक काम। सो ये है ऑयल डिस्पेंसर, ये ग्लास का है और इसका ये वाला ढक्कन कुछ ऐसा टाइप का है। इसको अगर मैं बहुत इजी है इसको फिल करना भी, यहाँ से आप इसको ऐसे नॉर्मली फिल कर सकते हो एंड ये ढक्कन को आप ऐसे करके, जस्ट कुछ भी नहीं, जस्ट ऐसे करके इसको बंद कर दीजिए और फिर आप जब खाना बनाएंगे तो उसको इस टाइप में ऐसे करके उसको आप कोई भी कढ़ाई में हो, कुछ भी हो, वहाँ पे आप दे सकते हो ऑयल। और सबसे बढ़िया बात है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसा करेंगे तो ये पूरा खोल के बाहर आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा वाला है। तो ऐसा मेरे पास दो है, दो ऑयल डिस्पेंसर है। सो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है और सबसे बढ़िया बात है ना कि इसका इसका जो मुंह है ये थोड़ा सा पतला सा है, बोल के ऐसा नहीं है कि एकदम स्टार्टिंग में आपका बहुत ज़्यादा ऑयल गिर गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसको मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा इजी है। सो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किचन के लिए। सो इसके बाद मैं बात करने जा रही हूँ ऐसा एक चीज़ का जो आपके किचन को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज करेगा एंड उसमें आप बहुत सुंदर तरीके से आपके किचन को रख सकते हो। सो ये एक, इसको मैं पहले आपको बोल देती हूँ, ये ना हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं बोल के हम लोग इसको थोड़ा सा पैक कर लिए हैं। सो मैं इसका फोटो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये अंदर से ऐसा है, वुडन वाला एक ट्रे है, वुडन वाला ये ट्रे है, ये देख पा रहे हो आप लोग, ये ऐसा कलर का होता है और ये बहुत बढ़िया है। और इसमें इसका साइज थोड़ा बिग साइज का है, इसमें आप बहुत कुछ रख सकते हो एक ही साथ में। आप यहाँ पे आप जो जो चीज़ आपको हर टाइम ज़रूरत पड़ता है आपके हाथों के सामने, जो चीज़ रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सब चीज़ को आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। और कोई भी अगर आपको किचन साफ करने की या क्लीन करने की जब ज़रूरत होगा, सिर्फ आप इसको ऐसे करके उठा लीजिए तो ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और उसके साथ साथ आपके किचन का जो ब्यूटी है उसको भी बढ़ा देता है एंड बहुत इजी है इसको यूज़ करना। एंड हाथों के सामने अगर आपके हर एक चीज़ रहेगा इसके साथ तो वो दिखने में भी अच्छा लगता है और आप जब खाना बनाने जाएंगे या किचन में कोई काम करने जाएंगे आपके लिए भी वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, राइट। सो अभी मैं जो चीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ वो आपके टाइम को बहुत ज़्यादा सेव करेगा एंड उसके साथ साथ अगर ये यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा इजी है, तो मैं बात कर रही हूँ ये चॉपर का, या बोल सकते हो काटर, कुछ भी बोल सकते हो, ये यूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी है। एंड मैं बोलूँगी कि हर एक के किचन में ये चीज़ रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो मैं खुद आपको सजेस्ट करूँगी पर्सनली कि आप ये चीज़ को ज़रूर रखिए, क्योंकि ये आपका काम बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं एंड उसके साथ साथ ये आपका टाइम भी बहुत सेव करते हैं। सो ये कुछ दिखने में ऐसा है, इसके अंदर ऐसे आप ये ऐसे है एंड इसके अंदर एक ये थ्री ब्लेड है यहाँ पे, उसको ये अंदर में ऐसे, ये जो देख रहे हो ना, इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये ऐसे है, दोनों जगह पे होल है तो इस होल में सिर्फ आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से बैठा देना है सिंपल से। और इसके अंदर आप कोई भी वेजिटेबल्स दे सकते हो, देख के इसको जस्ट ऐसे करके क्लोज कर दो। बस, और फिर इसको सिर्फ खींच लो, हो जाएगा आपका। सो जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो कि मैं इसमें ऑलरेडी ले ली हूँ वन ऑनियन कट एंड थोड़ा सा कैप्सिकम ली हूँ मैं एंड उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा टोमेटो ली हूँ एंड एक मिर्ची ले ली हूँ। और इसको अभी मैं बंद कर दे रही हूँ, बहुत इजी है इसको फिट करना। एंड इसके बाद ये वाला जो रेड वाला जो है उसको
खींच रही हूँ मैं, क्योंकि इसके अंदर जो एक रोप टाइप है उससे बहुत अच्छे तरीके से इसका कट हो जाता है। एंड आप इसको जितने बार खींचेंगे आपका सब्जी उतना छोटा छोटा होता जाएगा, तो आपको जैसे साइज का सब्जी चाहिए होगा आप उतने बार इसको खींचिए। थोड़ा कम खींचेंगे तो थोड़ा सब्जी का साइज थोड़ा बड़ा रहेगा, अगर ज़्यादा बार खींचेंगे तो सब्जी का साइज एकदम छोटा छोटा टाइप हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एंड मैं बोलूँगी कि इसको प्लीज़ आप अपने किचन में रखिए, तो आपका काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा एंड बहुत ज़्यादा टाइम सेव करेगा और बहुत यूज़फुल भी है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं बात कर रही हूँ एक कटर का। सो ये दिखने में भी बहुत छोटू सा है, बहुत क्यूट सा है एंड उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है काम करने के लिए और बहुत ईजी है यूज़ करना। ये इसमें कुछ ऐसा टाइप का, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे टाइप का यहाँ पे है वेयर फिट किया हुआ है एंड यहाँ पे आपको एक रखना पड़ेगा एंड कुछ नहीं, जस्ट इसको आप ऐसे करेंगे तो बहुत इजी तरीके से एकदम इक्वल शेप में एक कट हो जाएगा बहुत इजी से। जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन में, मैं ऑलरेडी दोनों एक को बॉयल करके रख दी थी, अभी मैं एक को सिर्फ इसके ऊपर बैठा रही हूँ एक कटर के ऊपर। एंड ये देखिए बहुत जस्ट कुछ भी नहीं, थोड़ा सा स्प्रेस कर रही हूँ और प्रेस करने के लिए भी आपको कोई प्रेशर अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सा जस्ट इसको क्लोज कीजिए और देखिए यहाँ पे एक एकदम हर एक इक्वल शेप में कितना सुंदर कट हो गया है। सो मैं ऐसे ही करके दूसरा एक भी कट कर लूँगी। सो अगर आपके घर में छोटा सा बेबी है या आप अपने हस्बैंड को खुश करना चाहते हो या कभी खुद को भी खुश करके कोई भी ब्रेकफास्ट देना चाहते हो, तो उस टाइम ऐसे करके एक कट करके दीजिए तो वो दिखने में भी अच्छा लगेगा और आपका मन भी खुश हो जाएगा। सो यही था मेरा आज का 10 यूज़फुल किचन टूल्स जो मैंने अमेजोन से खरीदे थे एंड ये बहुत ज़्यादा सच में मैं बोलूँगी कि आप सबको ये सब टूल्स अपने किचन में ज़रूर रखिए और किचन का शान को बढ़ाइए। सो कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलना और ऐसा टाइप का वीडियो अगर आप लोग और भी देखना चाहते हो तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलना। सो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे कोई नया चीज़ के साथ, लेकिन आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना मत भूलना फॉर लेटेस्ट अपडेट। एंड अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ एंड रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। सो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, शब्बा।